हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिस जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपको सिंपल वे में पूछा जा सकता है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त बलय का क्या महत्व है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकता है, या फिर आपको इस तरह पूछेगा विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखे तथा इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, या फिर इसे आपको इस तरह पूछा जा सकता है विद्युत मोटर का सिद्धांत सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बात एक है, सारी सारी के तीनों क्वेश्चन जो है तीनों का मतलब एक है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग आंसर की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, आंसर में, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन शक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, ओके, अब सिद्धांत की बात कर लेते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, चलिए इसकी हम लोग संरचना की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का आपको फिगर बना लेना है, जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, इस टाइप का फिगर आपको बना लेना है। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल आपका, और ये आपका, ये रहा क्या आर्मी आपका धुरी रहा, ये वाला धुरी आपका रहा। ठीक है, और ये आपका जो है, ये जो है आपका, ये हो गया आपका मोटर हो गया, ओके, ये आपका क्या बैटरी हो गया, देखिए है ना, प्लस माइनस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आपका पी क्यू विभक्त बलय हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग संरचना की बात करते हैं। तो विद्युत मोटर में विद्युत मोटर में भर विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है। देख लीजिए, एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी, जैसा कि आपको दिख रहा है, ए यहाँ है, बी, सी और डी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि उसकी इसकी भुजाएं ए बी तथा सी डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दो सिरे विभक्त बलय के दो अर्ध भागों पी तथा क्यू से संयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पी और क्यू। ओके, तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो P और Q आपका कहाँ होगा, ये होगा। ठीक है, P और Q। ठीक है, चलिए, इन अर्धगोलों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। R तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X, Y से स्पर्श करते हैं। ये रहा आपका X और Y। ओके, अब बात कर लेते हैं कार्य प्रणाली का इसका। ठीक है, आइए समझते हैं। बैटरी से चलकर ब्रश एक्स से होते हुए जेड जेड से विद्युत धारा कुंडली ए बी सी डी में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश वाई से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। ठीक है, ओके, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा ए बी में ए से बी की ओर, भुजा सी ए में सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। अतः ए बी तथा सी डी में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम अनुप्रयुक्त करने पर पाते हैं कि भुजा ए बी पर आरोपित बल इसे आधोमुखी अधिकलता है। ठीक है, धकेलता है। ठीक है, जबकि भुजा सी डी पर आरोपित तल इसे ऊपरी मुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धरी बमावर्त घूर्णन करते हैं। ओके, आधे घूर्णन में क्यू क्यू संपर्क ब्रश एक्स से होता है तथा पी का संपर्क ब्रश वाई से होता है।
अर्थात कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। विद्युत मोटर में विभक्त बलय दिक परिवर्तक का कार्य करता है, अर्थात परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करता है। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।